अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किंगडम प्लांटी को दो डिवीजन में तकसीम किया जाता है, ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर हैं, यानी वैस्कुलर सिस्टम इनमें अब्सेंट है। ये इनकी डेफिनेशन अगर हम करें तो वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट है। गेमीटोफाइट डोमिनेंट है, यानी इनके लाइफ साइकिल का ज़्यादातर हिस्सा जो गेमीटोफाइट पर मुश्तमिल है। ये वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, ज़्यादातर गेमीटोफाइट है, जबकि स्पोरोफाइट अटैच टू गेमीटोफाइट। ये देखें, ये ऊपर वाला जो स्पोरोफाइट है ये गेमीटोफाइट के ऊपर ही अटैच होता है और उसी पर डिपेंड करता है। और ये होमोस्पोरस है, यानी इसमें देखें एक ही किस्म के मियोसिस के नतीजे में एक ही किस्म के स्पोर्स बनते हैं। ये हम नेक्स्ट पूरे लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर अगर इसके हम देखते हैं फीचर्स, तो कह रहा है फर्स्ट लैंड प्लांट, सबसे पहले जो पौधे जिन पौधों की एवोल्यूशन हुई ज़मीन पर वो ब्रायोफाइट्स हैं। और इनकी एवोल्यूशन किस हुई? इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। ग्रीन एल्जी से इसकी एवोल्यूशन हुई। अब देखें, सबसे पहले ये ज़मीन पर आने वाले पौधे हैं तो क्वाइट स्मॉलर, ये बहुत छोटे हैं, फ्यू एक्सीड 2 सेंटीमीटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम है जिन जो कि 2 सेंटीमीटर तक हाइट में आ सकते हैं, बाकी बहुत कम छोटे हैं, जिस तरह छोटी छोटी घास होती है। पुअरली अडेप्टेड फॉर द लाइफ ऑन लैंड। अब जाहिर बात है ग्रीन अल्जी जो उनसे वो पानी में होती है, तो जब ये ज़मीन पे इनकी एवोल्यूशन हुई तो शुरू 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 में ये खुश्की के माहौल पे बहुत ज़्यादा पुअरली अडेप्टेड, इतने अच्छे तरीके से नहीं सर्वाइव कर पाते थे। सिर्फ कहाँ पर मौजूद होते थे? डैम्प यानी नमदार और साय वाली जगहों पर, शेडी प्लेसेस। अब कंडक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू आर अब्सेंट। अब ये जो जाइलम और फ्लोइम है, एक तो ये कंडक्टिंग यानी जाइलम पानी को कंडक्ट करता है, फ्लोइम खुराक को, और साथ ही साथ ये तने को स्ट्रेंथ भी करते हैं। अब ये दोनों कंडक्टिंग भी और स्ट्रेंथनिंग टिश्यू इसके अंदर नहीं है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के जरिए, क्योंकि हमने देखा कि इनका जिस्म छोटा है बहुत ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वहाँ पर डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के जरिए ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन है। प्लांट बॉडी इज़ विद प्रॉपर क्यूटिकल, यानी इसके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, या तो प्रॉपर होगी या बहुत थिन लेयर होगी। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट। क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इसी वजह से पानी जिस्म के किसी भी हिस्से से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। आगे सबसे अहम इनका फीचर ये है, ब्रायोफाइट्स आर सेड टू बी द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। देखिए, एम्फीबियंस एक फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स हैं जैसा कि फ्रॉग, आप मेंढक देखें, खुश्की पे भी रह लेता है, पानी पे भी। लेकिन रिप्रोडक्शन, अपनी अगली नस्ल, अपने बच्चे सिर्फ पानी के अंदर पैदा करता है, यानी सिर्फ पानी के अंदर अंडे देता है। तो ये जो पौधे हैं ये भी खुश्की और पानी दोनों जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी में करते हैं। तो ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। तो इसी वजह से, क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द वाटर, क्योंकि ये पानी से दूर नहीं रह सकते, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए, और यही खसूसियत एम्फीबियंस के अंदर मौजूद होती है, तो लिहाजा इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं। फिर बात करते हैं लाइफ साइकिल इन्वॉल्व अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके लाइफ साइकिल में 2 जनरेशन हैं, जैसा कि हम बात कर चुके हैं गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। गेमीटोफाइट जनरेशन जो सी है वो हैप्लॉइड जनरेशन है, वो गैमेट्स बनाती है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनाती है, और मियोसिस जब होगी तो क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और वो हैप्लॉइड स्पोर हैप्लॉइड गेमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल में गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट बनती है, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई? फिनोमिना इन विच गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट विच ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होते, बदलते रहते हैं। तो ये इनके अंदर क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर वो कह रहा है इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस एम्ब्रियो। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और फीमेल आर्किगोनिया मौजूद होते हैं। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, इनमें स्पोरोफाइट जब स्पोर्स बनाते हैं तो मियोसिस होती है। तो उसका फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? वेरिएशंस आती हैं, जारी बात है जहाँ पे भी मियोसिस होती है तो वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशन से क्या होता है, इट सेलेक्ट द बेस्ट जेनेटिक मेकअप अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी बेहतरीन जानदार सर्वाइव करते हैं। और वेरिएशन क्यों ज़रूरी हैं? नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जारी बात है जब वेरिएशंस के जरिए, मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं, तो जो स्पोर्स माहौल से बेहतरीन मुताबकत रखते हैं वही आगे जनरेट कर पाते हैं, और बाकी जोन से उनकी नस्ल ख़त्म हो जाती है।
तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।